जनपद सुल्तानपुर में करोड़ों रुपए की डकैती कांड में कथित रूप से आरोपी रहे 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश मंगेश यादव के पुलिस मुठभेड़ में मार गिराए जाने का मामला बेहद सुर्खियों में है। हर पार्टी इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रही है और खासकर समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर योगी सरकार पर लगातार हमलावर है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि यादव होने के चलते मंगेश पर पुलिस कार्रवाई हुई है। मंगेश यादव को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा दिए जा रहे बयान पर भाजपा सांसद और यूपी के पूर्व पुलिस महानिदेशक ब्रजलाल ने करारा जवाब दिया है। होमबिल टीवी से बातचीत में ब्रजलाल ने बताया कि अखिलेश ही नहीं उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव कैसे आतंकवादियों और अपराधियों की पैरवी करते थे। आइए सुनते हैं। राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जी हमारे साथ बात करेंगे। सर, जिस तरह से आपने खुद 2007 से मैं देख रहा हूँ आपने खुद पुलिस को लीड किया है, उत्तर प्रदेश पुलिस को, एक समय था कि आप खुद उतर जाते थे बदमाशों का मूल्य भार लेने के लिए, लेकिन जिस तरह से मंगेश यादव को लेकर राजनीति हो रही, खासतौर से सपा मुखिया अखिलेश यादव कर रहे हैं, इसे आप किस वे में देखते हैं? अखिलेश यादव हमेशा राजनीति, जाति बिरादरी, धर्म के करते हैं। ये अखिलेश यादव जी नहीं, इनके पिताजी भी करते थे। 90 के दशक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छविराम यादव, पोथी यादव, महावीरा यादव, अनार सिंह यादव ने छलनी कर दिया था। बीपी सिंह सरकार आई और मजबूरी में वो एंटी डकैती एरिया एक्ट लाए और उसमें प्राविधान किया कि जो उनको पनाह देगा उन पर भी कार्रवाई होगी। और जब धड़ाधड़ कार्रवाई शुरू हुई तो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि बैकवर्ड को टारगेट किया जा रहा है, यादवों को टारगेट किया जा रहा है, और वही राजनीति जब अखिलेश यादव कर रहे हैं। मुठभेड़ में पुलिस की गोली जाति धर्म नहीं देखती, और जब मुठभेड़ होती तो उसकी जांच होती है, मजिस्ट्रेट कर करता है, और पुलिस गलती करती है तो उसको सजा देने का प्राविधान है। तो ये केवल जाति बिरादरी की राजनीति, जो अखिलेश यादव आतंकवादियों की राजनीति करते हों, उनके मुकदमे वापस लेते हों, सीधे आतंकवादियों के साथ खड़े हों, रामपुर अटैक में जिसमें 7 CRPF जवान मारे गए उन पाकिस्तानियों के मुकदमे वापस लिए, ऐसे आदमियों से ये उम्मीद बिल्कुल की जा सकती है। जब आतंकवादियों के साथ खड़े हैं तो अपराधियों के साथ भी खड़े हैं। इस तरह से हर घटना के बाद अखिलेश यादव जी कहते हैं, उनका फेवर करते हैं, समर्थन करते हैं, उनका एक डेलीगेशन भी गया था, जौनपुर में गया था, और खास तौर से जिस तरह से ये हर अपराधी की कार्रवाई जब पुलिस करती है, क्या पुलिस का मनोबल इससे गिरेगा नहीं खुद, क्योंकि आप खुद पुलिस को कमांड कर चुके हैं, यूपी पुलिस को, तो एक बार बार इस तरह की बयानबाजी करना कितना मनोबल गिराएगा पुलिस के जवानों का? बिल्कुल, ये इस टाइप के बयानबाजी मनोबल गिराता और खासकर उस व्यक्ति से जो खुद इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है, मुख्यमंत्री के साथ गृहमंत्री भी रह चुका है। तो ये तो समाजवादी पार्टी में जितने बड़े माफिया, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे विजय मिश्रा हो, चाहे डीपी यादव हो, जितने बड़े बड़े अपराधी रहे, फूलन देवी हो जिसको मुलायम सिंह ने 2 बार सांसद बनाया, जिसने 22 राजपूतों की हत्या की थी बम्बई कांड में, तो ये तो हमेशा उसके साथ खड़े हैं। मुख्तार अंसारी जिसको कई केसेज में सजा हो चुकी थी, बाकी सजा होने वाली थी, जब अपनी मौत मरा तो उसके घर गए थे सिजदा करने, तो ये तो हमेशा आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, अपराधियों के साथ खड़े हैं। तो अखिलेश यादव से और क्या उम्मीद की जा सकती है, और इस तरह के बयानबाजी से वे पुलिस का मनोबल गिरा रहे हैं, जो असहनीय है, मैं निंदा करता हूँ। जाहिर सी बात है, यानी कि कोई भी अपराधी हो, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं, कोई भी अपराधी हो या किसी भी तरह का अपराध करता है उसको बख्शा नहीं जाएगा, यही कुछ आप भी कह रहे हैं, चाहे सपा मुखिया चाहे जितने भी आरोप लगाएं, लेकिन जो अपराधी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, और मैं भी जब डीजी रहा हूँ, मैंने तो 37.5 वर्ष वर्दी पहनी है, तो अगर कोई अपराधी गोली चलाता है तो हम गोली का जवाब गोली से देते हैं, और वही नीति जो है योगी आदित्यनाथ की है। 2007 से 12 के बीच में आप भी एक लोहा लेने के लिए खतरनाक था, वो जो गुर्जर था, आप खुद चले गए, तो वहाँ पे 3 दिन का जब ऑपरेशन चल रहा था, बिल्कुल वो घटना थी 17-18 जून 2009, हमारे 4 जवान मारे गए थे, इंस्पेक्टर बैनी माधो सिंह, कांस्टेबल समीम, कांस्टेबल इकबालुद्दीन और कांस्टेबल वीर सिंह, मैं ADG लॉ एंड ऑर्डर था। और उसके बाद जब हमारे जवान मारे गए, लोग हतोत्साहित हो गए, IG DIG घायल हो गए ग्रेनेड अटैक में, तो मैंने खुद AK-47 उठाई थी, और वो हमारी फोर्स डिमोरलाइज थी, आधा किलोमीटर दूर खड़ी थी, और मैं अपने मुट्ठी भर जवानों को लेकर गोली चला रहा था, TV पर लाइव हुआ था, तो मैंने तो वो खुद किया है। तो अखिलेश यादव जब ऐसा बयान देते हैं तो कष्ट होता है
कि अपराधियों के साथ आप खड़े होकर पुलिस का मनोबल गिरा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप डायनामिक पर्सन हैं। ब्रजलाल जी उत्तर प्रदेश के मुखिया रह चुके हैं पुलिस विभाग के, और जिस अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। देखिए, पुलिस का अगर मनोबल गिरता है तो कितना दुखदायी कष्टदायी होता है, उन्होंने आपको बताया। जब पुलिस का मनोबल गिरा था तो एक घटना का जिक्र किया, वो खुद हथियार लेके लोहा लेने चले गए थे जो वहाँ पर मौजूद थे। और आज की बात, अगर सपा मुखिया जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो बहुत ही कष्टदायी है, खासतौर से पुलिस पे। लेकिन एक बात साफ कर दी है, अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, राजनीतिक पार्टी, वो बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जानिए अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी।